शिक्षा जगत के सभी समाचार आपको सबसे पहले मिले इसके लिए सब्सक्राइब करें नमस्ते सर यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को ऑल पर जरूर से प्रेस करके रखें। मुख्य मंत्री जी ने अनेकों फैसले किए हैं, आप सबको पता है। महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल, गरीब का बेटा, अभी हरीश मीणा जी कह रहे थे कि ये गरीब लोग हैं, शिक्षा के लिए आपसे मांग कर रहे हैं। 70 साल में आप बता दीजिए किसी ने सोचा था क्या कि महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बने और इस गरीब का बेटा अंग्रेजी मीडियम में सरकारी स्कूल में शिक्षा ले। किसी ने सोचा था कि जो सरकारी विद्यालय है उसमें वार्षिक उत्सव मनना चाहिए और वहां वार्षिक उत्सव आप सब लोग मनाए। बाल सभा, अनेक नवाचार आप सबके सामने है। 2500 स्कूल कर्मोन्नत हुई है, आप अंदाजा लगाइए 2 साल के अंदर 2 साल के बजट में 2500 स्कूल कर्मोन्नत। 2000 करोड़ रुपए का इंफ्रास्ट्रक्चर, आप समझिए इस बात को। किसानों का 18000 करोड़ का ऋण माफ, एक से बढ़कर के एक फैसला। पिछले कार्यकाल में भी निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच, कितने फैसले हुए। पेंशन, माताएं बहनें बैठी हैं, एक तरफ ये लोकप्रिय सरकार अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में काम कर रही है और एक तरफ मोदी जी हैं जो किसानों के लठ मार रहे हैं। किसान के 3 काले कानून ला करके किसान को सड़कों पे रोने के लिए मजबूर कर दिया उस मोदी सरकार ने। नोटबंदी करके सबको परेशान कर दिया। कहां गया वो नोटबंदी से आतंकवाद समाप्त कर रहे थे, काला धन लाग रहे थे, कहां गए? कहां गए किसान की आमदनी दुगनी करने का वादा? कहां गया बेरोजगार को 1 साल में 2 करोड़ का रोजगार देने का वादा? कहां गया किसान की आमदनी दुगनी और विदेश नीति हमारी जो कह रहे थे चाइना ने कब्जा कर लिया। आप सब देखो, एक तरफ वो सरकार है जो ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है, किसानों को आंसू रुला रही है, और एक तरफ ये सरकार है जो कोरोना काल में देश और दुनिया में सबसे बेहतर अगर व्यवस्था हुई तो वो राजस्थान की सरकार ने अशोक गहलोत दी। 400 से ज्यादा वीसी, दिल्ली के लोग यहां भर्ती होने के लिए आए, आगरा के लोग यहां भर्ती होने के लिए आए, हरियाणा के लोग यहां इलाज कराने के लिए आए, सबको दवाई मुफ्त मिलेगी।